चिड़ावा शहर की नंदिनी इंटरनेशनल सेकेंडरी स्कूल श्याम मंदिर के पास वार्ड नंबर 39 में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में सुबह से ही रक्तदान करने वालों में उत्साह देखने को मिला। धापा देवी रामेश्वर लाल सांखला मेमोरियल संस्थान चिड़ावा की ओर से धापा देवी की प्रथम पुण्यतिथि पर यह आयोजन हुआ। शिविर में DSM हॉस्पिटल चिड़ावा की टीम ने रक्तदान संग्रहण किया। ये हमारी जो माता जी है श्रीमती धापा देवी, उनके प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कितने लोगों को रक्तदान करना टारगेट लिया? हमने 80+ का टारगेट रखा है। लोगों को क्या रुझान है? अच्छा रुझान मिल रहा है, अच्छी बात है। टीम कौन सी आई है रक्तदान? DSM हॉस्पिटल है अपने पिलानी बाईपास पे, उनकी टीम है। डॉक्टर देवेंद्र जी सार के नेतृत्व में टीम आई है। राज्य स्तर शिक्षक सम्मान 2021 से सम्मानित शिक्षक राम प्रताप सैनी ने नेत्रदान का संकल्प लिया। हालांकि उनका संकल्प तो शरीर दान का था, पर परिवार वालों की सहमति नहीं होने के कारण फिलहाल नेत्रदान ही किया है। साथ ही अपने जन्म दिवस पर उन्होंने पहली बार रक्तदान भी किया और लोगों को रक्तदान करने का संदेश भी दिया। राम प्रताप सैनी ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोवली में अंग्रेजी के शिक्षक पद पर रहते हुए अनेक सराहनीय कार्य किए। वर्तमान में वह राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय कुलोट कला में वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद पर कार्यरत हैं। रक्तदान आपने आज किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? और आपने नेत्रदान भी किया है, उसके बारे में कुछ बताइए। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने जीवन में पहली बार आज रक्तदान किया है और काफ़ी लंबे समय से मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा था कि मानवता की सेवा कैसे की जा सकती है। तो मैंने सोचा था कि पूरी देह दान कर दी जाए। काफ़ी लंबे विचार के बाद में मैंने परिवार वालों से बात की तो परिवार वालों की आखिरकार सहमति नहीं हुई, तो मैंने आज नेत्रदान का संकल्प लिया है कि आज मैं नेत्रदान कर रहा हूँ। आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी मैं परिवार वालों को इस कार्य में भी सहमत कर लूँगा और मेरा जो संकल्प है देहदान का वो बहुत जल्दी मैं पूरा करूँगा और मानवता की सेवा जितनी हो सकती है मेरी तरफ से मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। अभी आप कहाँ कार्यरत हैं और कैसे प्रेरणा मिली आपको ये? अभी मैं राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय कुलोट कला सूरजगढ़ में वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोवली में कार्यरत था, वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा कार्य किया था और वहाँ कार्य के आधार पे राज्य सरकार ने अभी मुझे राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। मैंने अभी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती गीता माली बाड़मेर, जो पिछले साल राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित टीचर हैं, उन्होंने देहदान किया था। उनसे संकल्प मैंने लिया, उन्हीं से प्रेरणा ली और उसी के आधार पे मेरे दिमाग में पिछले काफ़ी दिनों से ये एक विचार आ रहा था कि मैं भी किस प्रकार से मानवता की सेवा कर सकता हूँ, तो उसी के अनुरूप मैंने आज एक छोटा सा संकल्प लिया है नेत्रदान का। आपको कब सम्मानित किया गया था, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभी मुझे 2021 में 16 नवंबर 2021 को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत ने राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया है। नेत्रदान आपने कहाँ किया है? अभी मैंने आज यहाँ पे संकल्प लिया है, अभी मैं संकल्प पत्र भर रहा हूँ और बहुत जल्दी मैं इस कार्य को आगे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाके मेडिकल टीम के सामने इसको प्रस्तुत करूँगा। झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे की चिड़ावा पंचायत समिति के सभागार में जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर उपखंड अधिकारियों से रूबरू हुए। जिला कलेक्टर को बिजली विभाग के XCN अशोक चौधरी ने लगभग 60 ट्रांसफार्मर चोरी होने की बात रखी। इस पर चिड़ावा डिप्टी सुरेश शर्मा ने कहा कि क्षेत्र से कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने कानून व्यवस्था की जानकारी डिप्टी से ली। कलेक्टर ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारियों को ईमानदारी से कार्य करते हुए दिए गए टारगेट को समय पर पूरा करना है। उन्होंने कहा कि कमी मिलने पर दंड के लिए तैयार रहें और अच्छे काम करने वाले अधिकारियों को कार्य का पुरस्कार भी मिलेगा। बैठक में तहसीलदार गंभीर सिंह, EO जुबेर खान, चिड़ावा पंचायत विकास अधिकारी रण सिंह समेत उपखंड के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। क्षेत्र में आज आपने बैठक लिए, क्या कुछ समस्याएं सामने, क्या कुछ सुझाव दिए गए? इसमें ये मेरी प्रथम बैठक थी चिड़ावा क्षेत्र की और इसमें सभी विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया था। मैंने विभाग वाइज समीक्षा की है, जानकारी ली है और मोटी मोटी जो जानकारी आई उसके अनुसार इनको यथा संभव समस्याओं का निराकरण के लिए निर्देश दिए हैं और जो है योजना वाइज भी मैंने समीक्षा की है और इनको एग्जाई निर्देश इस तरह के दिए हैं कि आम जन को कम से कम तकलीफ़ हो, कम से कम कठिनाई हो, आम जन के लिए जो जो भी योजनाएं राज्य सरकार की है उनका समय पर उनको लाभ मिले, गरीब को ज़रूरतमंद को समय पर योजना का लाभ मिले, इसके लिए आप जो है
सजग होकर के और योजनाओं का लाभ देने के लिए सभी विभागों को आपस में समन्वय करके, कई बार योजनाएं एक विभाग से दूसरे विभाग में भी को रिलेटेड होती है, तो आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए एक टीम वर्क के रूप में सभी अधिकारी कार्य करें और यहाँ से जो भी समस्याएं आ रही है उनको दूर करते हुए आमजन को राहत पहुंचाएं और योजनाओं का लाभ समय पर दिलाएं। सर, गैर मुमकिन जोड़ के लिए आपने कुछ आदेश जारी किए, क्या कुछ है? गैर मुमकिन जोड़ अलोटेबल लैंड जो होती है उसकी श्रेणी में नहीं आता है, तो इसका इसके लिए जो है माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के कोई निर्देश है, उनको एग्जामिन करवाएंगे और उसी के अनुरूप इनको निर्देश भिजवाएंगे, क्योंकि वो अलोटेबल लैंड की श्रेणी में, आउंटनियों की लैंड की श्रेणी में नहीं होती है और उसमें जो है कोर्टों के निर्णय हैं उनका एग्जामिन करके तदनुसार नए निर्देश इनको भिजवाएंगे। चिड़ावा शहर में मंगलवार को खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी अचानक कार्रवाई के लिए पहुंचे। कल्याण राय मंदिर के पीछे किराना की दुकान पर जब टीम ने खाद्य सामग्री के सैंपल लिए, इस दौरान अन्य किराना व्यापारियों तक आग की तरह खबर फैल गई। खबर लगते ही शहर के अन्य किराना व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके घरों को रवाना हो गए। इधर विभाग की टीम ने फूड इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह के नेतृत्व में काजू व अन्य पैक सामग्री का वजन भी चेक किया और सामग्रियों की ओरिजिनलिटी भी जांची। क्या कार्रवाई की गई थी? आज शुद्ध के युद्ध अभियान के तहत बहुत प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया और उनके नमूने लिए एक यहाँ से काजू का सैंपल लिया गया, दूसरे ये है अशोक कुमार मिष्ठान भंडार से, ठीक है, अशोक कुमार, मनीष कुमार पंडित, यहाँ से तो कैसू का नमूना लिया गया और दूसरा नमूना ये है दिनेश सैनी जी के यहाँ से, दिनेश मिष्ठान से। सर, गुड़ के सैंपल लिए जा रहे हैं, क्या विशेष कार्रवाई की जा रही है? गुड़ का तो एक सर्विलेंस अभियान है जो भारत सरकार की तरफ से, गुड़ का सर्विलेंस सैंपल है जो हमने लिया है, वो ऊपर से निर्देश मिले फिलहाल बाद में सुन करेंगे या जो भी होगा मैसेज आएगा। दुकानदारों ने विरोध भी किया? नहीं, कोई नहीं, क्या विरोध करेंगे, ये तो सर्विलेंस है, जागृति के लिए है अभियान, इसकी बाकायदा सूचना है हमारे पास, विरोध का कोई मामला नहीं बनता है, वो तो राज्य सरकार ने बंद किया है, ये केंद्र सरकार का मामला है।